Dablo! I am high! Whoa! Alvida! उसको वो पहले का नहीं जाने देंगे। वो हाँ, मेरा तो कोई जवाब नहीं। अरे, वो, उस तरफ देखो। वो पुल जब लो, ट्रेन को फुल स्पीड में डालो। ठीक है, फुल स्पीड। इसका दिमाग खराब है क्या? अभी सपना था। शहद। काम पर लगो। Still have a dream to see. Come on, Jello Bean. There's a hope before that door. Just waiting for us to explore. We have to try to spread our wings and learn to fly. Jindo, jaane ka samay ho gaya. दोस्तों तैयार हो जाओ। बबलू तो पूरा बंदर निकला। खड़े मत रहो, काम पर लगो। बड़ा निशाना महाराज, अब किसकी बारी है? मेरी बारी, अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है। जल्दबाजी किस काम की, पूरा दिन पड़ा है। बबलू, तुम लोग कभी अपना बंदर पना बंद करोगे? चलो काम पर वापस लगो। महाराज ऐसी बात नहीं करना, बंदर पना के खून में सुनो बबलू,
तुम्हें जल्दी किस बात की है? जिंदगी के मजा लेना सीखो। आराम करो, कल का दिन जबरदस्त होगा। एक ही दिन में ताजमहल तो बनने नहीं वाला। चिंता छोड़ो, अब ये समय कल होना हो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। डब्लू, काम का समय हो गया। ये करके दिखाओ। आसान है ये, कम से कम पुल बनाने से तो ज्यादा ही मजेदार है। चलो डालने, इससे पहले बबलू आ जाए। अरे नहीं, बाल बाल बचे, ये डब्लू कर क्या रहा है? अरे हो, जल्दी जल्दी। हाँ, क्या जल्दी चाहिए? तुम्हें जल्दी चाहिए तो ये लो जल्दी। आखिरकार हो गया। आज तो मेरा लकी दिन है, मुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ख्याली बुला। महाराज का कोई मुकाबला नहीं। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये क्या कर रहे हो? हमें काम खत्म करना है ना। इसमें बड़ी बात क्या है? ब्रेक ही तो लिया। एक ब्रेक, अगर बारिश आ गई तो जंगल बह जाएगा। बस भी करो, आसमान तो साफ है। डब्लू, मेरे पीछे आओ, इसे खींचने में मेरी मदद करो। बहुत देर हो गई, चलो इसे खींच सकते हैं। नहीं अभी नहीं, हम ये कर सकते हैं। मुंह क्या देख रहे हो? मेरे महाराज, जल्दी करो, अपनी जान बचा कर बाजो। पकड़े रहना, मैं वो लकड़ा हटा दिया था। नहीं रुक सकता, बस थोड़ी देर और। मुझे अकेला छोड़ दो।
बाबू ठीक कह रहा था, हमें पुल को जल्दी बनाना चाहिए था। देखकर हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है, और अगर देखना चाहते हैं कुछ बेहद रोमांचक तो मेरे दोस्त आप आ गए हैं बिल्कुल सही जगह। तो दिल थाम के बैठिए मेरे दोस्तों, शो शुरू होने वाला है। एक सर्कस। ओहो, इतनी देर में सिर्फ एक लाइक। दो, क्या हो रहा है? सुनिए मोहतरमा, आपकी खूबसूरती का तो जवाब ही नहीं। मेरे साथ कॉफी पीने चलेंगी? हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं हमारे मुस्लिम दर्शकों का जो आशीर्वाद नर्सिंग होम से यहाँ आए हैं। मनोरंजन शुरू किया जाए। बुरा शो था ये। बिल्कुल ही बेकार था। कितना बकवास था। मजा ही नहीं आया। कैसे बर्बाद किया मेरे। अरे यार, इससे अच्छा तो मैं आऊंगा नहीं। मैं बेवकूफ है। इतना गंदा शो करके हमें टपी दिखा, हमें टपी देखना है। कैसे लोग हैं, अजीब अजीब कहीं के यहाँ पर आ जाते हैं। और आपके सामने पेश करेंगे फ्लाइंग ट्रेपीज। उस तरह देखो, शुरू होने वाला है। अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। जो जो नहीं, अरे अरे वो भालू। पकड़ लिया। क्या कारनामा है, मजा आ गया। क्या कारनामा किया है, ये बहुत ही अच्छे भालू। ऐसा वसूल। Ha 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 ha!
डांस कर रहा है, क्या आराम से, आराम से मेरे दोस्त। हमारा हीरो कमाल कर दिया ना इसने। आज तक हमने ऐसा शो कभी नहीं किया। कमाल कर दिया, शानदार शो था। थैंक्स भाई। यार जो जो तो ट्रेपीज में कितना ऊंचा था और वो तो जैसे फुर्र, तुम तो जैसे नीना। आलू भाई ने तो बचा लिया, हक लगा दिया यार, थक गया यार। चलो दोस्तों सामान पैक करते हैं। आओ, शुक्रिया मेरे जोजो की जान बचाने के लिए। हमारी जोड़ी बहुत जमेगी, जैसे छोले भटूरे और चाउमीन। भटूरे और चाउमीन। मेरा नाम बबलू है और मैं देवदार पहाड़ से हूँ। सुनने में तो बढ़िया लग रहा है। हाँ बढ़िया तो है। माफ करना, मैं ख्यालों में खो गया था। मैं तो ये कहूँगी कि तुम लाजवाब थे और शानदार। ये सही कह रही है बेटा, हमने ऐसा ट्रेपीज तब से नहीं देखा जब से साबू को चोट लगी है। साबू? हाँ साबू, वो मास्क में जो बड़ा बंदर है ना, बहुत खड़ूस हो गया है। वो सुबह मुर्गे से भी पहले उठ के काम करना शुरू कर देता है, पता नहीं क्यों सबके पीछे पड़ा रहता है। जैसे उठ जाओ निकम्मो, ट्रेनिंग का वक्त हो गया। मारे गए? तो बोलो आज की नौटंकी के बाद तो तुम बहुत खुश हो गए ना? हाँ बिल्कुल। क्या तुम में से कोई मुझे बताना चाहेगा कि आज बाहर क्या हुआ? ट्रेनिंग करने का क्या फायदा? जोजो को चोट लग सकती थी या उसे भी बुरा, इन नियमों की कोई वजह है? मैं खुश हूं कि तुम ठीक हो। शुक्रिया। कोई बात नहीं, मैं तुमने काफी मदद करी, अब तुम जा सकते हो। सुमड़ो सुमड़ो, कोई कहीं नहीं जाने वाला, कम से कम इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद तो बिल्कुल नहीं। भाई अभी तो इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ। अरे भाई बबलू, ये हमारे बॉस है लोमड़ पटेल। लोमड़ पटेल? ए मोटा भाई, इतना बड़ा भालू, तेरे से मिलके तो मैं बहुत खुश हो गया। तू तो मेरा मोटा भाई जैसा है, तू तो सबके दिल पे राज करने लगा। क्या तूने कभी सोचा कि तू किसी शो का स्टार बन सकता है? ए बैसी जा, यहाँ बैठ जा। ए थोड़ा स्माइल करो ने भाई, फूल सुंग अने केक खा भाई, ये सब तेरे लिए। भाई तेरे जैसा शानदार बालू मैंने आज तक नहीं देखा है। भाई ये जो सर्कस है ने, अब ये तेरे ही घर है, अब तो मैं स्टार बनने से कोई नहीं रोकेगा। मैं तुम्हें दिखाता हूँ पॉपकॉर्न का रखे। अरे हमें इसी बात की तो गरज थी, कम से कम इस सर्कस के तो अच्छे दिन आ गए। अब हमारे पास हो गए नए कॉस्ट्यूम और हमारा शो होगा पहले से भी ज्यादा शानदार। बॉक्स ऑफिस पे मच जाएगी धमाल और सबसे बड़ी बात, हम बनेंगे स्टार। भाई चलो भी यारो, थोड़ी फुर्ती दिखाओ, साबू इंतजार कर रहा है। कामयाबी का एक मिनट मतलब घंटों की मेहनत, चलो अब शुरू हो जाओ। Ha 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 ha
तुम कर सकते हो, चलो। टुनटुन बस ऐसे ही, तुम बढ़िया कर रही हो, लगी रहो। टुनटुन मेरी जान, तुम ये कर सकती हो। टुनटुन, टुनटुन आंटी, क्या तुम ठीक हो? अब मैं पहले जैसी जवान नहीं रही बेटा। शुक्रिया। तुम बढ़िया कर रही हो लूना, स्पीड बना के रखो। साबू, साबू, सब लोग थके हुए लग रहे हैं, थोड़ा आराम करना चाहिए ना। आराम? बबलू, अगर तुम ट्रेपीज कर पाए तो हम सब आराम करेंगे। बबलू, तुम्हारी खिदमत में हाजिर है। मैं नहीं। बच्चे, तुम ये कर सकते हो। मैं ये कर सकता हूँ। चलो। हो गया। टुनटुन, क्या तुम ठीक हो? बबलू, मुझे माफ कर देना। बबलू चुपटा हो गया क्या? ये कोई मजाक नहीं, तब तक करते रहो जब तक सही नहीं होता, समझ में आया? साबू, मैं सोच रहा था कि शायद हमें, मेरा मतलब है सब लोग थके हुए हैं, कुछ नया करें क्या? अब तुम मुझे बताओगे कि क्या करना चाहिए? सोचो जरा, हम रोज गधों की तरह मेहनत करते हैं, पर अब भी हमारा शो घिसा पिटा है। नीना, आखिर मुझ जैसे नाकारा के साथ क्यों हो? मामा, ये ट्रपीज बहुत मुश्किल है, काश मैं उड़ पाता। अरे नन्हे बच्चे, खुद पे विश्वास रखो, तुम सब कुछ कर पाओगे। बुरा मत मानना, पर तुम पागल हो, हम एक फ्लॉप टोली हैं। हमें देखो, हम तो चिड़िया हैं, पर हम भी ये नहीं कर सकते। मानो जैसे हम कुत्ते हैं और हम पट्टों से बंधे हुए हैं। ये तो मुश्किल है यार, मेरे जंगल में जिंदगी हसीन थी, हम अच्छे मौसम में ताजा शहद लेने के लिए घूमने जाते थे, और गर्मियों में मछली पकड़ने जाते थे, और तरह तरह के रसदार फल भी, और सर्दियों में स्नोबोर्डिंग। सही कहा, और हमें गाने सुनना बहुत पसंद है। चलो दोस्तों, ट्रेनिंग खत्म हुई, अब पार्टी करने का टाइम है। तुम तो बढ़िया नाचते हो जोजो। नीरा, मेरी चमक चलो। टुनटुन आंटी, कोई ढुकचुक ढुकचुक न बजाओ। मेरी फटफटी को तो देखो, इसकी चाल, इसकी रफ्तार और इसकी उड़ान। जानना चाहते हो मैंने ये फटफटी क्यों खरीदी है? जिससे तुम और मैं पूरी दुनिया साथ में घूम पाए। ए, तुम दोनों इस पर परफॉर्म क्यों नहीं करते? लोग पागल हो जाएंगे। काश हम जा पाते, पर साबू के नियम बहुत सख्त हैं। फालतू नियमों से हमारा क्या लेना देना, दर्शकों को ये देखना ही चाहिए। क्या सर्कस का मतलब मौज मस्ती करना नहीं है? समय है बदलाव का, और कोई नियम नहीं। चलो, हमें मजेदार शो बनाना है। धमाल मचा देंगे। Oh!
बेवकूफ, तुम्हें पता नहीं है शेरों का इलाका है। पहले क्या नहीं पता? अरे पहले बताता तो मेरे साथ आता क्या? शायद वो बबलू है। डगू, जाओ देखो वहाँ क्या है। संभाल कर डगू। बबलू, मैं हूँ, तुम्हारा पुराना दोस्त डगू। अरे यार कब चालू होगा शो? क्या बात है, क्या मंच सजा है, अरे हीरो आ गए, वाओ, ये क्या करने वाला है? बहुत जबरदस्त है यार, तैयार है अपने पैर उतारे। अरे वाह, क्या बात है, मजा आ गया। ये बहुत खूब, ये मैं तो करूंगी रॉक एंड रोल। रेंचो, बाबू, रेंचो, बाबू, डुगो, तुम सब कहाँ हो मेरे दोस्तों? ये टायर से निशानियाँ कैसे आए?
क्या ये लखा का काम है? ये आखिरी भूसा था। पहला दिन 5 पेड़, दूसरा दिन 4 पेड़, तो ये मिलाकर हुए 9। 800 का अगर 9 में किया गुणा, जब मैं स्कूल में था तब मुझे ये याद नहीं करना पड़ता था। याद आया, 720। वारे लखा, अभी बॉस भी तो मुझे 1000 रुपए देगा, तब कितने होंगे? अगर 100 से गुणा करे तो 1700। बकवास आदमी, क्या कहा तुमने? क्या तुम भूल गए हो तुम किससे बात कर रहे हो? क्या छोड़ो, मैंने तो तुम्हारी साल के लिए फोन किया था, अब लगता है माफ करना बॉस, मैं गिर गया था, मैं आपके लिए क्या करूं? अच्छा तुम मेरी मदद करना चाहते हो, तो जितना जल्दी हो सके पहले वो लकड़ियाँ डिलीवर करवाओ, समझे? मैं अपनी बीवी और बच्चों के साथ छुट्टी पर जा रहा हूँ, तो फटाफट काम खत्म करो, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अरे जंगल में बाढ़ आ गई है, इसलिए मुझे दूसरा रास्ता पकड़ना पड़ेगा, तुम्हें तो पता ही है मैं जुगाड़ू हूँ और इसके ज्यादा पैसे लगेंगे। चिंता मत करो, जो कहा गया वो करो और तुम्हारे लिए मोटा बोनस तैयार रहेगा, समझो? देखते हैं। मस्त लग रहा है ये। अरे बहुत मजा आ गयो मोटा भाई। लोमड़ पटेल, ए भाई लोमड़ पटेल के बड़े टापू पर हमारा इतिहास बहुत बड़ा रहा है और हमारा पुराना समय ना वापस आ गया है और ये सब मुमकिन हो पाया है हमारे बड़े भाई की वजह से। अब हम सब मिलके ना स्टार बनेंगे। साबू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जुगनू, जब हम छोटे थे मैं अपने भाई को जंगल में लेकर जाता था इन्हें देखने के लिए, पार्टी में क्यों नहीं आते? क्या हुआ साबू, तुम उदास क्यों हो? तुमने देखा ना दर्शक कितने खुश थे। हाँ, वो सब हमारी काबिलियत की वजह से था, ना कि हाथ की सफाई की वजह से। जाहिर सी बात है, वो सब हमारी काबिलियत की वजह से था। सबने बहुत अच्छा किया और वैसे भी हमने बहुत मजा किया। बस बहुत हो गया। किसने तुम्हें ये हक दिया कि यहाँ के नियमों को बदलो? कैसे नियम? कभी सोचा है यही तुम्हें बांधे रखे हैं? कार्निवल में जाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है दूसरों से ज्यादा मेहनत करना। कार्निवल क्या? ये कार्निवल हर 3 साल में एक बार होता है, सबसे बेहतरीन कलाकार ही वहाँ पहुँच पाते हैं। मुझे लगता है तुम्हारा सपना पूरा होगा, अगर तुम पुरानी चीजें दिखाओगे तो शायद कभी नहीं होगा। ए भाई लोग, ये सपने हैं ना, ये तारों की तरह होते हैं, हम उन्हें कभी पा नहीं सकते पर अगर हम चाहें तो उनके करीब पहुंच सकते हैं। वैसे मैंने कार्निवल के लिए अप्लाई कर दिया है। रिलैक्स, तुम्हारे पास वो है जो तुम्हें चाहिए था, अब मुझे जो चाहिए वो तुम मुझे दोगे। लखा को पता होगा कि बबलू कहाँ है? नहीं, मैं नहीं देख सकता। अभी क्या करूं? मेरी बात मानोगे तो तुम्हारे लिए आसान होगा। चलो अंदर।
अंदर चलो, इस बैग के अंदर घुसो। शायद वो बेहोश होगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा भाई। अरे नहीं, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अकेला लखन से कैसे लड़ पाऊंगा। डर मत डब्लू, तेज था गेंद और ताल का दरवाजा। एक दो तीन मिल लो, घर का ध्यान रखना ठीक है। रुको, लड़का लड़का मत जाओ, वापस आओ, मेरे भाई को छोड़ दो, मैं आ रहा हूँ भाई, भाई मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ भाई। भाई भाई आज तुम शो देखेंगे, कितना मजा आएगा। बबलू क्या तुम तैयार हो? चलो बबलू। मैं भी आया, जल्दी आओ। मैंने वो टोपी कहाँ रख दी? वो क्या है? एक और गाड़ी, ये तो पहले नहीं देखी। इस पे तो ताला लगा है, मैंने इसे पहले क्यों नहीं देखा? तुम्हें कुछ चाहिए क्या? मैं तो बस टोपी ढूंढ रहा था। तुम्हारी टोपी क्या नहीं है? क्या तुम्हें शो नहीं करना? बाबलू तुम्हारी टोपी मिल गई, अब जल्दी आओ। हाँ ठीक है, मैं अभी आया। शुक्रिया जोजो। जल्दी आओ, पर्दा खुलने वाला है। तो ठीक है, चलो चलते हैं। मुझे चाहिए। अरे वाह, क्या बात है। मजेदार तो हो गई ना, आखिर भाई किसका है? आखिरकार पहुंच गया। हाँ बॉस,
हाँ हाँ पहुँच गया। रास्ता तो मुश्किल था लेकिन मैं जुगाड़ लगा के आ गया। ठीक है बाद में फोन करता हूँ। एक डरपोक बिल्ली। अरे भाई मुझे छोड़ दो, मुझे लफड़े में नहीं पड़ना है। अरे रखो तो भाई कहाँ है? ये क्या बकवास कर रहे हो? मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मेरा टाइम मत खराब करो। रुको इलाहाबाद। इसे छूने की हिम्मत भी मत करना। ऐसा मत करो। अरे मेरा सामान। आखिर बात क्या है? इधर आओ यहाँ पर। देखो डब्लू, मैं जानता हूँ तुम पसंद नहीं करते कि मैं जंगल काट दूँ, और ये सही भी है। और ये भी सही होगा कि जब मैं जंगल नहीं काट रहा तो तुम भी मुझसे दूर रहो। बेवकूफ अगर तुम पेड़ नहीं काटे होते तो जंगल तुम्हारे जैसा गंजा नहीं होता। जंगल में बाढ़ नहीं आती, तूफान नहीं आता, और मेरा भाई बबलू को क्या हुआ? और मेरा भाई गुम नहीं होता, सब तुम्हारी वजह से। ये मेरी गलती नहीं है। तुम्हारी गलती है। झूठ। तुमने किया। झूठ। तुमने किया है। वो बबलू है ना? अरे तुमने तो मेरा जबड़ा ही तोड़ दिया। तू तो एक मोटा गंदा भालू है। चलो डब्ल्यू तो निकल लिया, मैं चला डिलीवरी देने। मुझे तो बस अपने बोनस की पड़ी है। एक तेल का केन और एक सर्कस का पास। बॉस तो मक्खी चूस निकला, विश्वास नहीं होता इसका हर बार का है। शायद हाँ, मुझे चलकर बबलू को सर्कस में देखना चाहिए, मजा आएगा। हे, आज मैंने आगे का टिकट लिया। अरे तुम क्या लॉलीपॉप खाओगे? ये खाओगे? कितना मजा आया। ये फोटो तो बहुत अच्छी आ रही है। ये बबलू जैसा दिखता है ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही। नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ हाँ हो सकता है थोड़ी बहुत शक्ल मिलती हो बबलू जैसी। चलो जल्दी करो, मेरे पास दो टिकट देना प्लीज। क्या वो लोला? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सरप्राइज, क्या तुमने मैंने मिस किया? अगला कौन है? ये बोला है नजरिया बदल दूंगा। क्या आया हुआ? आराम से लड़का, चले चले। जकास। बाय डब्ल्यू। बाय।
आखिर तो मिल ही गए। तबलू मेरे भाई, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? मैं लक्का के पीछे पीछे आ गया, याद आया भाई, बड़ी मुसीबत है, तुम्हें चक्कर वापस आना होगा। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मेरे भाई, मुझे जाना होगा। पर जंगल का क्या होगा? इस बारे में बाद में बात करेंगे। भाई भाई, हमारे तो जंगल में फंसे हुए हैं। जब लो ये लो फल, जितना चाहे उतना खा लो, ये सेब खाओ, बढ़िया है। हमें जंगल जाना होगा। जब लो मेरे भाई, मुझे अभी जाना होगा, दर्शक मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं ठीक हूँ, तुम यहीं रहना, मैं अभी आता हूँ। और अब बिना किसी देरी के बबलू। अरे देखो देखो वो क्या कमाल कर रहा है। मजाक नहीं कर रहा, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। डब्लू, मैं यहाँ पर एक शो कर रहा हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये कौन है? ये तो दो है। क्या ये प्लान था? रुक जाओ मेरे भाई, सब देख रहे हैं, मुझे जाने दो, जाओ स्टेज के पीछे जाओ। क्यों नहीं हो? मैं जंगल वापस नहीं जाऊंगा, अब यही मेरा घर है। अरे देखो वो ऊपर से नीचे गिर रहा है, ये क्या हो रहा है? अरे वहाँ बबलू, तुम कमाल हो, ये बहुत बढ़िया, ये बबलू 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 के लिए जोरदार तालियां, क्या ये लाजवाब नहीं? देखो वो कितना ऊंचा उड़ रहा है। ये मजा आ गया। साबू, आज के लिए क्या तुम शुक्रिया कहने आए हो? तुमने मुझे पकड़ा नहीं होता तो कोई जरूरत नहीं, इस सर्कस का कुछ नहीं हो सकता अगर इसमें तुम ना हो। साबू, ये कार्निवल इतना जरूरी क्यों है? साबू, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ।
कार्निवल सर्कस के हर एक कलाकार का सबसे बड़ा सपना है, पर ये कार्निवल सिर्फ सबसे बेहतरीन कलाकारों को ही बुलाता है। हमारे सर्कस के एक एक कलाकार ने यहाँ पहुँचने के लिए अपनी जान लगा दी। हम हर एक शो के साथ सफलता के करीब और करीब आते रहे, और एक दिन हमें कार्निवल से इनविटेशन आ गया। कार्निवल? लगता है जैसे बस कल की ही बात हो। कार्निवल पे परफॉर्म करने जैसा और कुछ भी नहीं। हाँ, और सबको लगा कि हमारा तो कोई मुकाबला ही नहीं और कर सकता। रोज गुलदस्ते लेके आया करते थे। तुम्हें याद है वो लाइट्स, वो म्यूजिक और वो इतने सारे दर्शक? वो वहाँ पे हमारा पहला शो था और हमारा आखिरी भी। मामा, कार्निवल के बाद ट्रपीज हमारे शो का सबसे खास हिस्सा बन गया था। एक एक दर्शक वहाँ साबुन 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 और अपने आखिरी परफॉर्मेंस के दौरान उसका हाथ बन गया, और उसके बाद उसने कभी दोबारा ट्रपीज परफॉर्म नहीं किया। जब से हमारे शो में ट्रपीज बंद हुआ, धीरे धीरे हमारे सारे दर्शक खत्म हो गए। हम वापस कार्निवल में जरूर जाएंगे। हाँ, सही कहा बबलू ने जो स्टंट्स तैयार किए हैं उनका जवाब नहीं। मेरे तो पर्सनल 10 फैन बन गए हैं। अब हम सब कार्निवल में जाएंगे। विश्वास नहीं होता ना दोस्तों। वैसे हम कर सकते हैं। उड़ो मत, पहले करके दिखाओ। कल सुबह ट्रेनिंग है। तो वो सच में सर्कस में रहने वाला है? अब मैं क्या करूंगा लड़का, तुम्हें बताओ। डब्लू रो मत, वो बस थोड़ा सा गुस्सा होगा। तुम तो उसे जानते हो ना, तुम्हारा तो खून का रिश्ता है। क्या तुम्हें यकीन है? अगर उसका नया परिवार बन गया तो? हाँ, ओ फिर तो चलो हम उसे वापस ले आते हैं। अब ये कहाँ जा रहा है इतनी रात को? कहाँ गया ये? अरे थोड़ा दम लगाओ, उठाओ। कौन है? अरे दम लगा के उठाओ। अरे संभाल के, अरे दम लगाओ। अरे तुम कर क्या रहे हो? चलो, एक दो तीन चार। अच्छा ठीक है, हो गया, चलो। चल चल पार्टी करने चलते हैं। तुम्हें मिला क्या? लालची कौवे। हाँ चल, मिल गया चल। आज तो मैं चैन से सो रहा हूँ। तुम चुप रहो, तुम यहाँ कर क्या रहे हो? वहाँ पर उन बक्सों में क्या है वो? बस कुछ पुराने खिलौने हैं। कुछ पुराने खिलौने? नहीं, मैंने कुछ सुना था। क्या सुना तुमने? दखलंदाजी बंद करो। चाहे कहीं भी हो, चाहे कभी भी हो, सामान पहुँचाएगा। मिस्टर लोमड़ पटेल, आपका कुरियर आ गया। आया भाई आया। तुम लोग इतनी देर तक काम करते हो? 24 घंटे आपकी सेवा में हाजिर। चलो मैं चलता हूँ। वाह 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 वाह।
आंसू छे। ए जागी जाओ जागी जाओ सब जन जागी जाओ, मजा आवी गयो। ए बाइलो कार्निवल से इनविटेशन आवी गयो। देखो देखो मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। क्या ये सच है? भाई इनविटेशन खुद ही देख लो। मतलब अच्छी बात। सामलो सामलो सामलो, अपने पास ना टाइम नहीं है, सामान बांधो और सुबह सुबह ही निकलना ही। भाई साबू, मैंने तो अपना वादा निभा दिया, बस तुम अपना वादा मत भूलना। उस तरफ आओ बैठो। अरे ये स्कूटर चलता क्यों नहीं है? अरे अरे मेरा स्कूटर कौन ले गया रे? देखा क्या ये स्कूटर और तेज नहीं चल सकता? अब हम उन्हें कभी नहीं पकड़ पाएंगे। कोशिश तो करनी पड़ेगी। देखो एक खूबी दरवाजा, चलो। लखा ये जगह कुछ भूतिया नहीं लग रही? बस अंधेरा ही तो है, इसमें डरने वाली क्या बात है? डब्लू साथ साथ रहो। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। लखा जरा लाइट जला लो तो। लखा मुझे बहुत डर लग रहा है। कौन हो तुम और लखा कहाँ है? पहले मैं तुमसे नहीं डरता। अबे मोटापे की दुकान मेरे बिना भी कुछ कर लिया कर। तुमने देखा, मैंने तो इसकी अबे अपना मुंह बंद कर, पूरे मोहल्ले को जगाएगा क्या? हाँ सही कहा। ये तो अपना यार लखा है। अरे हाँ ये तो वही नमूना है रे बाबा, इसका अंडे जैसा शक्ल में कहीं भी पहचान लेगा। लगता है मैं भटक गया, लेकिन अब मुझे रास्ता मिल गया है। अरे रुक जा लखा, पहले बता यहाँ क्यों आया है, वो भी मेरे तीन गिनने से पहले। एक दो तीन। मुझे मत मारो, मैं परिवार वाला हूँ और घर पे माँ ने राजमा चावल बनाए हैं।
दिखते बुद्धू है। मैं दोस्ता तुम से मैं क्या बात कर रहा हूँ यार? पिछवाड़ा बंद करता है। ओ रुको। वो छुछुंदर हाथ से निकल गया। अरे चल जाने दे उसे, चल चल पटेल भाई को बताते हैं। अबे जल्दी अंदर आ। आ रहा हूँ ना। चल बबलू। साबू तुम्हें आराम नहीं करना क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा मतलब मैं तो बस मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं तो तुम्हें यहाँ कोई दिलचस्पी है? आ जाओ अंदर। ये तो खिलौने। बताया तो था सिर्फ पुराने खिलौने, और तुमने क्या सोचा था? मुझे सोना चाहिए, कल बहुत काम है। ये क्या? नहीं। ये तो बच्चे साबू यहाँ चल क्या रहा है? यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा इसे क्या लेना देना? बच्चों की बात है तो मेरा लेना देना है। यहाँ से चले जाओ, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। बहुत हुआ, तुम झूठे हो। बबलू रंचो बबलू, तुम्हें तो मैं बोलो, क्यों मेरे दोस्त तुम्हारे पिंजरे में क्यों है? तुम इन्हें जानते हो? बबलू सुनो, शांत हो जाओ। नहीं, तुम्हारा सपना वो कार्निवल झूठ है, सब झूठ। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। जब से मुझे चोट लगी है मैं बहुत तकलीफ में हूँ। एक के बाद एक मालिक बदलते गए और फिर लोमर पटेल आया। भाई मजेदार डील छे, अब तो हम दोनों अमीर होने वाले हैं। हम दोनों नी जोड़ी खूब जमेगी, पर ये मत भूलना तूने मेरा नमक खाया है साबू। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये सब मैंने सर्कस के लिए किया। सर्कस? देखो उन्हें, बबलू और झूठ नहीं। तुम्हें तो सर्कस की फिक्र थी ना, पर ये एक सपना नहीं हो सकता अगर उसकी कीमत किसी की आजादी छीनना है। ये एक बुरा सपना है। बबलू नहीं, रुको। ये आईने आईने ये तो बता, सबसे सुंदर किसकी अदा? मेरी अदा। सब कुछ ठीक है, आज रात काम हो जाएगा। ए बंटू तेरा पार्टनर का छे, कल का शो तो सुपर हिट छे। तुम्हें याद है तुमने क्या कहा था?
भालुओं को भालू जैसे रहना चाहिए। हम आजाद हैं। लक्का, हाँ, क्या क्या हुआ था? वही तो मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम इस गुफा में क्या कर रहे हो? अरे हाँ, डब्लू वहाँ पे। मुझे पता है, वो सब पकड़े गए, बबलू रंचो और बाबू। बबलू, सब ठीक हो जाएगा, विश्वास करो। ये तुम्हारी गलती नहीं है। कुछ नहीं पता मैंने। बबलू, ये सब कभी नहीं होता। अगर मैं जंगल छोड़ के नहीं आता तो ये सब मेरी गलती है। तुम्हें हो क्या गया है? तुम ही तो कहते थे ना जंगल की रक्षा करो भालू की स्टाइल में। कहाँ गई तुम्हारी हिम्मत? मुझे नहीं पता, मैं ये काम तुम्हारे बिना नहीं कर पाती। तुम्हारा शुक्रिया बबलू। बबलू तुम तो लाजवाब हो। मुझे चाहिए। तुम्हारे दोस्त बहुत बड़े खतरे में हैं। तुम्हें उन्हें बचाना ही होगा। तुम कर सकते हो, मुझे पता है तुम कर सकते हो। जाओ बचाओ उन्हें। इस बात का हमेशा ख्याल रखना कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अपने छोटे भाई और इस पूरे जंगल का हमेशा ख्याल रखोगे। तुम हीरो हो या जीरो, खुद फैसला करो। लक्के, मेरे साथ चल। क्या क्या? मैं क्यों? ये हम सर्कस देखेंगे, बहुत अच्छे, क्या बात है, हम आएंगे। ये मुझे देखो, ये उसने मुझे देखा, मुझे देखा है। हे बेबी, वो देखो, हम पहुंच गए, आखिरकार हम पहुंच गए। माँ उस तरफ देखो, वो बबलू जैसा दिखता है। ये तो बबलू जैसा है। काश बबलू हमारे साथ होता। मैं भी, साबिन ने कहा वो वापस चला गया। क्या बात है, क्या बात है, हो मामी, क्या मैं खेलने जाऊं? पर ज्यादा दूर मत जाना। ठीक है। मुझे तो साबू विश्वास नहीं होता, हम सच में फिर से जा रहे हैं। हाँ, ये सच है।
ये सब यहाँ पर है। नहीं नहीं और भी हैं। जैसा कि मैंने बॉस को बताया था, तुम शो के बाद सबको ले जा सकते हो, पर इस बात को सीक्रेट ही रखना है। तो बस अपना मुंह बंद रखना, समझा ना? मुझे भागना होगा। बंटू पीछा कर। इमरजेंसी इमरजेंसी टीम है यहाँ पर। जरा धीरे बोलो ने, तुम लोग किसी काम के नहीं हो। रुक जाओ, हम तुम्हें वहीं पकड़ने आ रहे हैं। साबू साबू, हमें ऐसे निकलना होगा। मम्मी, क्या हुआ बेटा? लोहार पटेल, वो हम सबको बेचने वाला है। ये तो बुरी बात है। जो जो शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ। ये सबके सब इधर हैं। हेलो दोस्तों, लगता है पूरी पलटन यहीं पर है। अरे रे रे, रुको नहीं रुको नहीं, बंदूक नीचे करो भाई लोग, बातचीत करते हैं ने। भाई साबू, मैंने इस सर्कस को सब कुछ दिया है और अब तुम लोग का भी कुछ फर्ज बनता है ने। तुम लोग मेरे लिए बस एक आखिरी शो कर दे ने, वरना बूम। मिस्टर लोमड़ पटेल, देरी किस बात की? इनको अभी बेच सकते हैं ना, कितना आसान होगा। बेचेंगे तो जरूर, इंतजार करो क्योंकि कार्निवल का इनाम बहुत बड़ा है। सबर रखो। ठीक है पटेल जी। जल्दी करो जल्दी। क्या करो, बात है, शुरू होने लग रहा है, आज कार्निवल शुरू होगा। हाँ सर्कस देखेंगे हम। जल्दी चले। मैं अपने आप को उन सब के लोगों के बारे में सोचने से रोक नहीं पा रहा और यहाँ पर एक भी नहीं है। हे भगवान, मुझे उठा ले। पर वो सारे केले ना ले लो। मुंह बंद रख। मैं बंदर हूँ, मेरे भेजे में केले भरे हुए हैं। तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? नहीं रे, तू तो जीनियस है। मेरा संतरा कहाँ गया? मेरा संतरा। तो अपनी सांस कब तक रोक सकते हो? इस वीकेंड कोई प्लान है क्या? हाँ सोच रहा हूँ अपनी बीवी को मूवी ले जाऊं। नौकरी के बारे में क्या ख्याल है यार? अभी तो एक ही महीना हुआ है, पर ठीक है यार। ठीक तो है, लेकिन पैसे कम मिलते हैं। हाँ लोमड़ पटेल, अपनी कंजूसी छोड़े दो ना। अरे ये मास्क में सांस भी नहीं आती। हम यहाँ से बच के नहीं निकल सकते हैं, हैं? हैं? ये तुम्हारा आखिरी मौका है, हारने के लिए तैयार हो जाओ। यस, तुम हार गए। बंटू लगाएगा पुशअप। मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना। हीरो हूँ मैं। मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। शांत हो जाओ, ये ठीक है। ये तो मर चुका है। मिस्टर पटेल को पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। आखिरकार। ओ नहीं, मुझे कल पता उसे। बबलू, तुम्हें लगता है हम कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? चलो। अब भागकर कहाँ जाओगे? साइड डटे में। पिंजरे में वापस ले जाओ। वाह,
भाई तो बात मुझे आना ही था, हम भाई है ना। भाई तुम्हारे सर्कस के दोस्त मुसीबत में है। क्या क्या बात है, शुरू होने वाला है, जल्दी शुरू होने वाला है सर्कस। मिस्टर पटेल जी, सब काम हो गया है। बढ़िया छे। ये क्या हुआ, लाइट कैसे चली गई? ये क्या हो गया? ए जिग्नेश जाके देखने। यस बॉस। ए रुकी जा, रुकी जा। ये क्या है? आ कौन छे? भाइयों और बहनों, क्या आप तैयार हैं असली जादू देखने के लिए? क्या बात है, उसने कैसे कबूतर निकाले? तो देखिए इस मामूली बक्से को, ये पूरी तरह खाली है। ओ, क्या बात है? क्या तुम तैयार हो? क्या मैं? लगता है वो पता नहीं क्या होने वाला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप देखिए इस मामूली से बक्से के जादू को। एक दो तीन। वो ये कैसे किया उसने, ये कैसे किया? अरे वो गायब हो गया उस डिब्बे में। ये तो बस शुरुआत थी, अब मैं इन सब को गायब करके दिखाऊंगा। आखिर तुम हो कौन? घबराओ मत, मुझे अपना दोस्त समझो। क्या कोई मेरी मदद करेगा इसमें? अब मैं इस मोटी सी हथनी को इस बॉक्स में कैसे फिट करूं? शुक्रिया, कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। अच्छा प्लान काम कर रहा है। अब देखते हैं ये मोटी अंदर कैसे फिट होती है। ये क्या कर रहा है, क्या वो इन सबको गायब कर पाएगा? क्या पॉसिबल है, कैसे होगा ये? कितनी बार बोला है जिम जाया कर, मजा आएगा देखने में। देखो बपंदी नहीं हो रहा है। आबरा कड़ाबरा, हथनी गायब हो जा तू। एक दो तीन चार। अरे ये उसने कैसे किया? क्या बात है, तुमने सबको गायब। क्या सब लोग ठीक है? तुम वापस आ गए। शुक्रिया। hey, क्या बात है, तुमने बहुत ही अच्छा कमाल दिखाया। ये जितनी तेज भाग सकते हो भागो, पतली गली से निकल लो। अरे आप चलो भी जल्दी। चलो चलो जल्दी करो। ये पता नहीं कहाँ गया, देखो पता नहीं क्या हुआ। सर जाके ढूंढो। ठीक है बॉस। साबू बबलू उन सबका ख्याल रखना। साबू हमें जाना होगा। बबलू जाओ यहाँ से, मुझे वापस जाना है, जाओ यहाँ से। साबू तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अगर सेठ खाली मिला तो लोमर पटेल को समझ आ जाएगा कि हम भाग गए। तो क्या हुआ, सुनो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम हमारे साथ आ रहे हो। मैं वापस जा रहा हूँ। साबू हम परिवार है। बबलू, मैं इन गुजरे सालों में अपना आत्मविश्वास खो चुका हूँ और अपना सपना छोड़ चुका हूँ। मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहता हूँ हर चीज के लिए जो तुमने किया। सब और अब जो मैंने शुरू किया उसे खत्म करना है। साबू तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। साबू ये कार्निवल सिर्फ तुम्हारा सपना नहीं है,
ये हमारा भी सपना है। हमें आखिर यहाँ पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की है। चलो आग लगा दे क्या? ये सपना हम सबको साथ मिलकर पूरा करेंगे। पर दोस्तों, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम तैयार हो? क्या तुम सबसे बेहतर शो दिखाने के लिए तैयार हो? फिर एक नया बवाल। चलो देखता हूँ। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये वापस आ गए मेरा सर्कस। देखो दोस्तों, आज स्टेज पर हम सबका सपना पूरा होगा। नौटंकी शुरू। हो, क्या बात है। ये हो कितना खूबसूरत नजारा है। ये देखो उसे, देखो उसे। ये तो बहुत बढ़िया छे। तुम लोग तालियां तो बजाओ। नहीं बस, जी बस। वो क्या बात है। ये गाने से छुआ। ये तू बोरे में क्यों आया? बॉस, हमारे साथ धोखा हुआ है। साबू 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 साबू। ये सारे के सारे बहुत बड़े गद्दार हैं। कड़े कड़े मुंह क्या देख रहे हो? पकड़ो उन्हें। चलो इस तरफ। जल्दी करो, ट्रॉली में बैठो। अरे पकड़ो उन्हें। मुझे वो जिंदा चाहिए। यस सर। Let's go!
बहुत बढ़िया टुनटुन, पकड़ो बबलू के गुब्बारे ले लो। मुझे उन्हें बचाना होगा। बाय बाय। पकड़ के दिखाओ। या वापस आओ। टुनटुन आगे जाओ। बबलू को मदद चाहिए। छोड़ना मत। अरे हाथ निकाल ले ना। ओह जा। बचाओ। हेलो पुलिस स्टेशन। लंका अंकल हेलो गारा। जल्दी भगाने चल हट। जल्दी बच्चों को बचाओ। अया बबलू ऊपर आ जाओ। चलो चले। क्या करेंगे? Hello. अरे देख क्या रहे हो? ऊपर खींचो मुझे, खींचो मुझे ऊपर। हम बढ़िया हैं शुक्रिया डॉक्टर। अरे ले बंदर, तूने मेरा नमक खाया था। इन्हें बचाओ। थोड़ा सा भाग के। इस सर्कस में मेरी पूरी जिंदगी लगी है और कोई भालू इसे बर्बाद नहीं कर सकता। छोटे आदमी के छोटे सपने। ए चुप इसने। तुम पागल हो क्या? तू अपने आप को बड़ा हीरो समझता था ना, अब बचा अपने आप को। बबलू नीचे झुको।
नहीं 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 तूने मुझे क्यों? ओ पटेल मेरा हाथ पकड़ ले। अब तू हीरो बनने की कीमत चुका। ये अभी खत्म नहीं हुआ। तुम्हें फिर कमीन आए मर गया। अब नहीं आएगा मुझे पसीना। चलो प्यार करें। देखो वहाँ तुम्हारे ए दोस्तों, तुम्हारे लिए ईस्टर एग्स मिले हैं, तुम्हें पसंद आएंगे। हेलो दोस्तों, मैं सोच रहा था कि क्या मुझे भी ये ईस्टर वाला अंडा मिलेगा। जैसा कब महसूस होता है? मुझे हीरो की जैसा तब महसूस होता है जब मैं सच्ची में से किसी के काम आ पाती हूँ। जैसे कि ठंडे पानी में नहाना, ब्लड डोनेट करना, जब मैं स्टेज पर होता हूँ, जब मैं 10 पैकेट अकेले उठा पाती हूँ, अपनी कहानियाँ और अनुभव दूसरों के साथ शेयर करना, जब ये मेरे साथ होती है। आपको हीरो की जैसा कब महसूस होता है? जब बहुत बारिश होती है और मैं गिर जाता और मुझे चोट लगती है, लेकिन फिर उठकर मैं अपना काम करता हूँ। मैं हर वक्त एक हीरो जैसा फील करता हूँ। आपको हीरो की जैसा कब महसूस होता है? फैन कवायल में हर कोई हीरो होता है।
to think my life would always be the same. Same old forest, same old river, same old everything. Too much work and not enough play. Maybe I should just run away. Now the crowds are screaming my name. I love my life. Wouldn't give this feeling up for anything. Rent a house and I'll be